अरे भाई मोहम्मद कासिम। कासिम भाई आप घबरा क्यों रहे हैं यार, आप हमारे भाई हैं, आपको मालूम है भाई हमारे नबी का नाम बता दो, हमारे नबी का नाम, हमारे नबी का नाम क्या है? अरे आप बताओ ना। मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं बताया आपने यार, शर्म की क्या बात है इसमें यार, जिसको मालूम होगा वो बताएगा, फट से बताएगा। इधर को बेटे, कलमे का मतलब क्या है बता दो, देगा यार वो है तो मुझे हंसी आ, वो नहीं बता रहा यार। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाल्लाह भाईजान, एक मिनट इधर को आ जाइए भाई, इधर को आ जाओ, इधर को आओ। क्या नाम है आपका? अरे भाई मोहम्मद कासिम। कासिम भाई आप घबरा क्यों रहे हैं यार, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, आप घबराओ मत। मैं तो यार भाई हूँ मैं आपका, क्यों आप मुझे जानते नहीं है? जानता हूँ। जानते हैं ना, माशाल्लाह मैं अपने गाँव में ही आया हुआ हूँ और आसपास के गाँव के लोग भी यहाँ पे हैं, एक उर्स था यहाँ पे, तो मैंने सोचा आज इसी मौके पर दो तीन इस्लामिक सवाल जवाब करे जाए इनसे। तो भाई आप घबराइए मत, अगर आपको मालूम हो तो बता देना, नहीं तो फिर मैं आपको, ठीक है? हाँ आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। अरे भाई अलजत भाई खड़े तो हैं, आप क्यों परेशान हो? हाँ अरे एक मिनट अलजत भाई बताएंगे अगर आपको नहीं मालूम होगा। यार भाई आखिरी नबी कौन है, हमारे नबी कौन है? अरे मुझे सब मालूम है, मुझे भाई हमारे नबी कौन है, हम किसकी उम्मत में हैं? रसूलुल्लाह की। तो क्यों घबरा रहे हो, शर्मा उम्मत यार, लड़की भी शर्मा रहे हो यार तुम यार। एक मिनट भाई, ना सवाल नहीं करूँ, आप कैमरे सामने आ रहे हैं भाई, एक मिनट घबराओ मत मेरे भाई यार, ये जरूरी है हम पे, हमें ये इसी चीज होना चाहिए। आपने बता तो दिया कौन है हमारे नबी, कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप बताइए दुनिया में वो कौन से नबी हैं, आप जाना नहीं भाई, अभी यहीं खड़े रहना। दुनिया में वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपने छोटे भाई के साथ ऐसी भलाई की कि कोई कयामत तक नहीं कर पाएगा, चाहे भले ही अपनी जान भी क्यों ना दे दे अपने सगे भाई के लिए, ऐसी भलाई की उन्होंने अपने भाई के लिए, वो कौन से नबी है? अच्छा आपको मालूम है भाई, हमारे नबी का नाम बता दो, हमारे नबी का नाम क्या है? अरे आप बताओ ना, कौन कौन? तब वो तो बता ही देगा, बच्चे बता देंगे छोटे छोटे, इधर को हमारे नबी का नाम बता, किसी को मालूम है इधर को हमारे नबी का नाम? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं बताया आपने यार, शर्म की क्या बात है इसमें यार, जिसको मालूम होगा वो बताएगा, फट से बताएगा। इधर को आ बेटे, कलमा सुना, अब्बल कलमा तो तूने सुनाया था, अभी कोई दूसरा सुना, कोई और बच्चा है? रुक जा, तुम बड़े बड़े हो, छोटा सा तू आ इधर को भाई, हेलो कलमा सुनाओ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, तो शर्माने वाली क्या बात है इसमें यार, पास को आ जाओ मेरे, थोड़ा सा मेरे भाई, एक मिनट पास को तो आ जाओ आप, बिल्कुल आसान पूछूंगा, बिल्कुल आसान। आपने कलमा सुना दिया, ये जरूरी है हम पे, कलमा आपने सुना दिया, आप कोई घबराने वाली कोई डर की बात नहीं है, कलमा सुना दिया आपने, कलमे का मतलब क्या है? कलमे मैं बता दूंगा, नहीं पता होगा, बताइए मुझे, नहीं पता आपको? पता है। हाँ बताओ। मिठाई वाले भैया, कलमे का मतलब क्या है? बता दो देगा यार, है तो मुझे हंसी आ, वो नहीं बता रहा यार। अरे साहिल तू बता दे यार, से आ जाओ, मानो तो हमारा सवाल अधूरा रह गया यार, ये घबरा रहे हैं, पता नहीं इन्हें मालूम है या घबरा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, कुरान शरीफ पढ़ा आपने? जी पढ़ा है आपने कुरान शरीफ? जी जी माशाल्लाह। तो बच्चों इधर को आ जाओ तुम दोनों, कुरान अजीम के अंदर वो कौन सी खातून है जिनके यानी वो कौन सी औरत हैं जिनके नाम से कुरान पाक के अंदर एक पूरी सूरत उतारी गई है, पूरी सूरत उतारी गई है कुरान शरीफ के अंदर? फातिमा ज़हरा। नहीं, माशाल्लाह कोशिश तो करिए आपने यार, ये होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। माशा नहीं, अम्मा आयशा, ठीक है वो छोड़िए आप, नहीं वो भी नहीं है। अम्मा आयशा कौन है? अम्मा आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। ठीक है माशाल्लाह, सबसे छोटी? जी जी ठीक है, सबसे छोटी ना, सबसे बड़ी ज़ौजा का नाम बताइए आप। सबसे बड़ी ज़ौजा आपका नाम है खदीजा, हज़रत, हाँ हज़रत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत आयशा के वालिद का नाम बताइए आप, अम्मा आयशा के वालिद का? सिद्दीक अकबर। माशाल्लाह। अच्छा एक ये बताइए आप,
औरतों में सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कौन लाया, यानी अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान कौन लाया औरतों में सबसे पहले? अम्मा खदीजा। ठीक है, मर्दों में? मर्दों में मालूम है किसी को? मर्दों में आप पे सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक। इधर को आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीकी। सिद्दीकी नहीं, सिद्दीक। हाँ अच्छा, औरतों में सुन, एक मिनट, अभी सुना था आपने, सुन के ये मतलब नहीं हमारी वीडियो देख रहे हैं या यहाँ सुन रहे हैं, सुन के बस सुन के खत्म, याद भी रखो इस चीज़, ये नॉलेज की चीज़ है, मज़ा आएगा भैया जब नॉलेज हो जाएगी आपको तो बड़ा मज़ा आएगा, कहीं भी खड़े हो जाओगे जाके। औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा, जो हुजूर की सबसे बड़ी बीवी हैं। हजरत खदीजा। माशाल्लाह। और मर्दों में भूल गए क्या था? सिद्दीक अकबर। दो गए। बच्चों में? हजरत अली बच्चों में। और गुलामों में? एक मिनट, आप बताना मत, कोई भी मत बताना। इधर को, मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, ध्यान लगाइए, मैं आपको ऑप्शन दूंगा। गुलामों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? हजरत बिलाल। हाँ माशाल्लाह, आपने ऑप्शन भी देने दिया, आपने बता दिया बिल्कुल। हाँ ठीक है, आखिरी सवाल व्यूवर्स, अगर इनको पता नहीं हो मैं जवाब बताऊंगा नहीं इस वीडियो के अंदर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इस सवाल का। वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिन्होंने बुतों के मुंह पर मिट्टी मारी और मिट्टी मारकर कहा कि जो खुद अपना मुंह साफ नहीं कर सकते वो भला क्या किसी को नफा या नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह से उनका इस्लाम जाहिर हो गया था। वो कौन से? आपने नहीं, सही नहीं जवाब नहीं दिया आपने, मैं भी नहीं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, मैं जानना चाहता हूं वीडियो के अंदर जो हमारे व्यूवर्स ऑडियंस हमारी जो भी है वो देखने वाले ये जवाब देंगे इंशाल्लाह। बाकी वीडियो खत्म करके अभी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका जवाब कि वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिन्होंने बुतों के मुंह पर मिट्टी मारी और मिट्टी मारकर कहा कि जो अपना मुंह खुद साफ नहीं कर सकते वो भला क्या किसी को नफा या नुकसान पहुंचाएंगे, और इस तरह से उनका इस्लाम जाहिर हुआ था उन सहाबी रसूल का। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे लिखकर बताएं इंशाल्लाह, नहीं तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।